हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तव, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप लोगों का दोस्त। आज मैं राजारहाट आया हूं और राजारहाट चौमाथा है ये, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए मैं फिलहाल कहां खड़ा हूं। ये सामने में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हैप्पी विले है और ये बगल में उत्सव है, उत्सव पूर्ति ग्रुप का है और हैप्पी विले सिकदा ग्रुप का है। अभी मैं राजारहाट चौमाथा के सामने में खड़ा हूँ और यहाँ आने का मेरा मेन कारण ये है कि न्यू टाउन में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी कॉस्टली हैं, मिडिल क्लास उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ज़्यादातर लोग अभी राजारहाट की तरफ आ रहे हैं। तो आज हम राजारहाट चौमाथा में आए हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो बिष्णुपुर का रोड है उस तरफ में जाने पर एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, G+4 का पर काम चल रहा है और काफ़ी ही रिजनेबल प्राइस में है। वो मैं आपको आगे बताते रहूँगा क्या प्राइस है नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो वहाँ पर हम चलते हैं क्योंकि आज के डेट में जिनको भी अगर फ्लैट लेना है अफोर्डेबल प्राइस में लेना है उनको राजारहाट ही आना पड़ रहा है। तो राजारहाट चौमाथा से ये इसका जाने का समय मुश्किल से 5 मिनट भी आपको नहीं लगेगा अगर अपने कार या बाइक से जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर। साथ ही रास्ते में हम आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे कि वहाँ पर क्या क्या आज के डेट में डेवलपमेंट हो चुके हैं, वह सब मैं दिखाते हुए चलूंगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, अब हम लोग राजारहाट चौमाथा के पास ठीक आगे खड़े हो गए हैं। ये देखिए राजारहाट चौमाथा है, मैं आप लोगों को नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग राजारहाट चौमाथा के पास में खड़े हैं और देखिए ये राजारहाट चौमाथा है। सामने में आप लोग को बंधन बैंक दिखाई पड़ रहा होगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ। अगर आप चिनार पार्क से आ रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट पर जाने के लिए वहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट पर आने के लिए चिनार पार्क उधर से आ रहा है, गाड़ी सब वगैरह उधर से अगर चिनार पार्क की तरफ होते हुए आ रहे हैं तो आपको राइट जाना पड़ेगा। और अगर आप हैप्पी विले की तरफ से आ रहे हैं या फिर उत्सव की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यहाँ से आने के बाद इस क्रॉसिंग से लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इतना डेवलप जगह है कि आप वहाँ पर आज के डेट में अगर फ्लैट लेते हैं तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस मिलेगा, साथ ही डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मात्र 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, हम लोग लोकेशन पर चलते हैं और प्रोजेक्ट लोकेशन में जाकर आप लोगों को डिटेल समझाते हैं। साथ ही रास्ते भर में आप लोगों को यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुआ होगा वह सब मैं बताते हुए आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्ट लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे। ये राजारहाट चौमाथा जैसे मैं आप लोगों को पहले बतलाया चौमाथा है। अब ये देखिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे, लेकिन जो चिनार पार्क से आएंगे जैसे मैं पहले बोला उनको राइट टर्न करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, ये देखिए ये लेफ्ट टर्न हम लोग कर गए। देखिए इस तरह में बाजार हाट मार्केट सब कुछ पहले से खुला हुआ है, काफी डेवलप हो चुका है जगह पहले से ही। इस प्रोजेक्ट का नाम प्राइम है, यहाँ पर लोग पहले से ही रह रहे हैं। बस रूट को आप देखिए, इस रूट में 211 और 211 एक की बस चलती है। ये देखिए ये बच्चों की छुट्टी हो गई है, स्कूल के बच्चों की। नेशनल हाई स्कूल, नेशनल इंग्लिश स्कूल है ये, और यहाँ पर नर्सरी से लेकर 10th तक का स्कूल है यहाँ पर। ये बच्चों की छुट्टी हुई है। यहाँ
एक से एक शोरूम है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है, पूरा मार्केट यहाँ पर आज के डेट में डेवलप हो चुका है। आपको कोई चीज खरीदने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा आपको। ये देखिए एक और प्रोजेक्ट आ गया, ऑक्सीजन। ये देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होकर रखे हुए हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होकर रखे हैं। ये देखिए DBS न्यू टाउन का बस यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन के प्रोजेक्ट्स में ये ढुका हुआ था। यहाँ पर बाइक स्कूटी का भी शोरूम है। यहाँ पर राजा चौमाथा से हम लोग जो लेफ्ट टर्न किए हैं, करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाया यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पर कितने फैमिली आकर रह रहे हैं। पहले से बड़े बड़े डेवलपर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रखे हैं, और भी प्रोजेक्ट उस तरफ पे हो रहे हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट होने में 4-5 साल की टाइम है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी लोग पहले से रहना चालू कर दिए हैं। अगर हम राजाराम चौमाथा से स्ट्रेट सीधा निकल जाते हैं तो वहाँ पर भी 2-3 प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, तो उन सब प्रोजेक्ट्स में जाकर देखेंगे तो जस्ट उन लोगों का भी काम शुरू हुआ है, उनको मिलने में 4-5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है वो पहले से डेवलप्ड है। और अगर यहाँ का रेट बताएं तो यहाँ का रेट जिस तेज गति से भागा है उतना कहीं का नहीं भागा है। जैसे कि आज से 4 साल पहले यहाँ का रेट मात्र 2,500 रुपया था, और आज के डेट में यहाँ का रेट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया है। मतलब 4 साल के अंदर में आपका रेट लगभग डबल से थोड़ा कम हुआ है। तो सोचिए जिन्होंने 4 साल पहले जो बुकिंग किया था आज उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये ऐसी जगह है कि आप अपना जितना भी पैसा देंगे उस पैसा का पूरा वसूल आप करेंगे। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये लोकेशन में हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं। फ्रेंड जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस लोकेशन के बारे में, अब मैं उस लोकेशन का लगभग नजदीक आ चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को एक क्रॉसिंग दिखाता हूँ। जो क्रॉसिंग आप देख रहे हैं सीधा निकल जाइएगा, कोटी बाजार स्टैंड पर जाएगा इस तरफ, अगर सीधा निकल जाएंगे तो, और यहाँ से अगर हम लोग राइट निकल जाएंगे तो टूवर्ड्स इको स्पेस निकल जाएंगे। तो अब हम लोग टूवर्ड्स इको स्पेस की तरफ जाएंगे और इस जगह का नाम कहते हैं बरतल्ला। तो ये बरतल्ला क्रॉसिंग है, बरतल्ला क्रॉसिंग से आपको राइट टर्न जाना पड़ेगा है? तो इस रूट को बोलते हैं विष्णुपुर बरतल्ला। ये 211 नंबर बस की रूट का ये रास्ता है। तो अब हम लोग विष्णुपुर बरतल्ला की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए गाड़ी जी ने राइट टर्न ले लिया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट है वरदान। ये देखिए यहाँ पर लोग पहले से रह रहे हैं, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, देखिए रास्ता में सामने में काम चल रहा है। एक्चुअली ये रास्ता 2 लेन था, इसको अब 4 लेन किया जा रहा है, और यहाँ पर काम बहुत जोर शोर से चालू है। यहाँ पर बहुत जल्दी ही ये रास्ता 4 लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये रास्ता 4 लेन हो जाएगा तो यहाँ का जो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना अप्रिसिएशन होगा। ये देखिए काम यहाँ पर चल रहा है सब। काम बहुत तेज गति से चल रहा है। ये देखिए ये एक बंगलो प्रोजेक्ट है इस तरफ में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ अपार्टमेंट्स ही नहीं है, बंगलो वगैरह भी बने हैं। तो ये टोटली बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लोग रहना चालू कर दिए हैं। और ये एक और ये भी प्रोजेक्ट है, थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्रिस्टल है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ जा रहे हैं, कोई नया डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आज से लगभग 4-5 साल पहले से ही जिनको समझ में आ गया था उन्होंने बुकिंग करना चालू कर दिया था, और वो रेट था मात्र 2,500 रुपया पर स्क्वायर फीट, और आज के रेट में यहाँ का रेट 4,000 रुपया हो गया है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 4 साल के अंदर में लगभग रेट आपका डबल हो गया जिन्होंने पहले बुक किया था। उसी तरह से अगर आप लोग भी यहाँ पर आज के रेट बुक करते हैं तो उसका प्राइस हर हाल में बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए उस समय में ये 2 लेन था, आज के रेट में ये 4 लेन होने जा रहा है। तो डेफिनेटली जब रेट आपका रोड बन जाएगा, 4 लेन हो जाएगा, कनेक्टिविटी यहाँ का होगा, डेफिनेटली प्रॉपर्टी का दाम तो उसी हिसाब से बढ़ता है। तो अब हम लोग लगभग प्रोजेक्ट लोकेशन पर आई। फ्रेंड्स अब हम लोग प्रोजेक्ट लोकेशन में चले आए हैं।
दादा यहाँ पर आने में हम लोग को मुश्किल से 4-5 मिनट का समय लगा है। यहाँ से हम लोग वीडियो बनाते हुए भी हम लोग आए हैं तो 4-5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा है। अगर मान कर चलिए कि अगर आप लोग डायरेक्ट आते हैं तो कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगेगा। लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा USP है। तो अब चलिए हमें आप लोगों को प्रोजेक्ट लोकेशन में जाकर आप लोगों को सारा डिटेल समझाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर में हूँ और आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर G+4 का 4 टावर बन रहा है और यहाँ पर 2 गेट है, जैसे आप मेरे पीछे में देख रहे होंगे। ये एंट्री गेट है, मैं आपको एग्जिट गेट भी दिखा दूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर जो कैटेगरी है फ्लैट का 3 है। आपको यहाँ पर 1 BHK भी मिलेगा, 2 BHK भी मिलेगा और 3 BHK भी मिलेगा। तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर कमर्शियल भी शॉप मिलेगा। तो आपको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी रह गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ का काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। ये पहला टावर हुआ और जैसे मैं आप लोगों को टावर वन बताया, टावर वन ये था। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह और ये सब मिलाकर 2 नंबर टावर होगा। टोटली जो आप देख रहे हैं ये और ये 2 नंबर टावर होगा। 3 और 4 का मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ। ये आप जो स्टोन चिप्स देख रहे हैं, आप बालू जो देख रहे हैं, तो स्टोन चिप्स और ये बालू, ये स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जो भी एम्यूनिटीज़ है वो सब छत पर है। छत पर आपका कम्युनिटी हॉल हो जाएगा, आपका जिम हो जाएगा, प्ले एरिया हो, बच्चों का किड्स प्ले एरिया है, बैडमिंटन कोर्ट है, बहुत सारे एम्यूनिटीज़ दिए हुए हैं जो रूफ टॉप पर ही होंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि टावर नंबर 1 छोड़कर टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, 4 ये सारे के सारे स्काई वॉक हैं। एक छत से दूसरा छत आपका जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया कि कुछ कुछ एम्यूनिटीज़ नीचे वगैरह में हैं और कुछ एम्यूनिटीज़ रूफ टॉप पर भी हैं। और टावर नंबर 1 छोड़ दीजिए तो टावर नंबर 2, 3, 4 ये स्काई वॉक है। आप एक टावर से दूसरे टावर पर जा सकते हैं क्योंकि इन सब टावरों में एम्यूनिटीज़ दी हुई हैं। और टावर नंबर 1 के में इसलिए नहीं दिया गया है स्काई वॉक, कारण नीचे में कमर्शियल वगैरह भी रहेंगे जिनसे बाहर के लोग आएंगे, तो इसलिए टावर नंबर 1 को रूफटॉप से अटैच नहीं किया गया है। तो चलिए चलते हैं रूफटॉप में, रूफटॉप पर चलकर आप लोगों को और आगे की जानकारी देता हूँ। साथ ही टावर नंबर 3, टावर नंबर 4 कहाँ पर होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं, रूफटॉप पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, तो हमको मना किया गया कि रूफटॉप पर नहीं जाने के लिए। तो ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो वैकेंट लैंड है, यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 आएगा। और जो सामने में जो जगह देख रहे हैं, मैं आपको लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर ऑलरेडी काम चालू है, वहाँ पर ब्लॉक नंबर 4 आने वाला है। मैंने 4 का काम चल रहा है, आने वाला नहीं, 4 का काम चल रहा है। जो सामने में ये जो जगह देख रहे हैं ये ब्लॉक 4 होगा और ये जो वैकेंट लैंड है ये ब्लॉक 3 होगा। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में जो ईंट वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पर मॉडल फ्लैट बन रहा है, बहुत जल्दी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को आइडिया लगा सकेंगे कि हाँ कि बाद बाकी फ्लैट किस तरह से बनेगा और क्या क्या यहाँ पर फिटिंग्स वगैरह लगेंगे। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर में ऑलरेडी मॉडल फ्लैट बनाने के लिए काम चालू हुआ है। ब्लॉक नंबर 2 का ये मॉडल फ्लैट इसमें बनने वाला। फ्रेंड्स, ये जो टोटल प्रोजेक्ट लैंड है 110 कटे का है और यहाँ पर 211 फ्लैट्स बनेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर 1 बेडरूम फ्लैट भी है। तो कहने का मतलब है कि 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट है, लेकिन जो 1 बेडरूम फ्लैट हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिनका 1 बेडरूम का फ्लैट का रिक्वायरमेंट हो तो उनके लिए भी मैं खास न्यूज़ दे दूँ, गुड न्यूज़ दे दूँ कि यहाँ पर 1 बेडरूम फ्लैट भी है और 2 बेडरूम और 3 बेडरूम फ्लैट तो है ही हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो भी रेट होगा, बेस रेट जो होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पार्किंग का क्या रेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 BHK, 3 BHK और 1 BHK, इन सबों का दाम बोले तो 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस 23 लाख ऑनवर्ड्स है और 2 BHK का प्राइस 28 लाख
ऑनवर्ड्स है। और 3 BHK का प्राइस 45 लाख ऑनवर्ड्स है। इस प्राइस में ऐसा लोकेशन में फ्लैट मिल पाना बहुत मुश्किल है, मतलब 23 लाख ऑनवर्ड्स, 28 लाख ऑनवर्ड्स और 45 लाख ऑनवर्ड्स में आपको 1, 2, 3 BHK फ्लैट आपको मिल जा रहा है। बेस रेट वगैरह, पार्किंग का रेट वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये देखिए बहुत से क्लाइंट लोग आकर बुकिंग वगैरह किए हैं, ये आज ही आए थे और आज ही उन्होंने बुकिंग कर लिया, इनको इतना पसंद आया। फ्रेंड्स, एक लिमिटेड टाइम के लिए एक ऑफर है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर इस प्रोजेक्ट में आप आते हैं और आकर SUN 3340 अगर आप बोलते हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली इस प्रोजेक्ट में है। और मैं अब डेवलपर से मैंने इस तरह से बात किया है कि अगर मेरे क्लाइंट आते हैं तो उनको एक अच्छा खासा एक डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो फिलहाल ये डेवलपर एग्री हो गए हैं, तो अगर आप आते हैं SUN और 3340 का बोलते हैं तो आपको ये कोड नंबर बोलने पर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जब इस प्रोजेक्ट में आए तो आने के बाद ये कोड नंबर बता दे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या अगर आप मेरे साथ में आते हैं तो वो डिस्काउंट हर हाल में आपको मिलना ही मिलना है। फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को और बता दूं कि इस प्रोजेक्ट लोकेशन से विश्व बंगला गेट मात्र 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी है, मतलब यहाँ से आपका राजा और चौमाथा आप आसानी से एक्सेस कर ही रहे हैं। साथ ही अगर आपको न्यू टाउन जाना हो तो भी आप यहाँ से आसानी से विश्व बंगला गेट जा सकते हैं, मात्र 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी है। और विश्व बंगला गेट जाने का मतलब ही कि आपको मेट्रो स्टेशन भी वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने कोड वर्ड बोला था वो कोड वर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, साथ ही स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगा। इस कोड वर्ड के साथ अगर आप डायरेक्ट भी आते हैं तो आपको अच्छा खासा बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही अगर आप मेरे साथ में आए तब तो आपको डिस्काउंट ऐसे ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये जो लाइक और सब्सक्राइब जो मैं बोलता हूँ और जो फॉलो करने के लिए जो बोलता हूँ, इनसे आप लोगों को कुछ नहीं आता है, पर इससे मुझे बहुत कुछ हमको आप लोगों को प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और मेरे चैनल का ग्रोथ मिलता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।